सो हे गाइस, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप सब अच्छे होंगे। क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया है कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो किस बेसिस पे आएगा। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा, 10th और 11th और 12th के बेसिस पे आपका जो 12th का रिजल्ट बन के आएगा वो इसी बेस पे होगा कि आपने 10th में कैसा परफॉर्म किया, 11th में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, 12th में कैसा था। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है आपके लिए, सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो अब टॉपर था वही टॉपर फिर से बन जाएगा। और जो भाई मेहनत किया था कि 12th में फोड़ूंगा, उसके लिए भाई कोई चांस नहीं। तो अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, जो 30% आपका नंबर है वो आपके क्लास 10th के रिजल्ट से लिया जाएगा। जैसे मान लो आपने किसी तीन सब्जेक्ट में बढ़िया परफॉर्म किया है, लाइक फिजिक्स सॉरी साइंस मैथ और SST, या SST इंग्लिश हिंदी, या हिंदी इंग्लिश SST, मतलब कोई तीन सब्जेक्ट उठाएंगे उसमें से, और 30% आपका 10th से निकालेंगे। ओके, तीन सब्जेक्ट से। बाकी के जो 40% है वो आपके 11th में आपने कैसा पढ़ा, ठीक है, 11th में आपने कैसा पढ़ा, फिर लास्ट 11th के सारे एग्ज़ाम में आपने कैसा परफॉर्म किया, जितने भी स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, वो 11th के पूरे एग्ज़ाम को कैलकुलेट करेंगे कि आपने ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक। तो 40% आपका वहाँ से निकलेगा। और गाइज, आपको भी पता होगा कि आपने 11th में कितना पढ़ा था और कितने, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जितने ये वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम बच्चे 11th में मतलब कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, या मतलब एकदम सोचो कि हाथ से निकल गया होगा 11th, ठीक है। तो गाइज, आप सोच सकते हो। फिर उसके बाद से जो 40% है ये आपके 12th के एग्ज़ाम, प्री बोर्ड हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, या मिड एग्ज़ाम हो गया, तो जितने यहाँ फेयरली एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बेसिस पे 40% निकलेगा। तो ये ओवरऑल 40-30-30 करके 100% आपके रिजल्ट बनाएंगे 31st को। लेकिन गाइज, आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने अपने रिजल्ट को देख के आपको नहीं लगा कि हाँ मतलब मुझे ये इतना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, तो गाइज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखो यार, अब आप बहुत गड़बड़ वे में फंस गए हो, क्योंकि अब वही ना, जो 10th में अगर आपके कटे हैं तो 12th में भी कट जाएंगे। तो बस वही है कि 10th में अगर जो बच्चा टॉप किया था भैया, उसके 80% 90% 11th में आके बढ़िया से पढ़ा था, ठीक है, बढ़िया मार्क्स लाया था, बढ़िया उसको टीचर जानते हैं, तो गाइज सच बता रहा हूँ, इससे इफेक्ट पड़ेगा और वो नंबर अच्छा पाएगा। लेकिन अब मान लो, अब पढ़े थे, लास्ट में जाके पढ़े हो, 12th में आके पढ़े हो, 10th भले 11th ख़राब था, 12th में आके मेहनत की हो, तो क्या अब आपको आपका ये सारा वेस्ट होगा? तो नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल मत करना। 31 तारीख को जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक, तो क्या करना, पहले देखना कि तुम उस नंबर से सेटिस्फाई हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो इमीडिएटली फॉर्म भरना, मतलब जो भी आता है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत री एग्ज़ाम के लिए अपना दे देना। क्योंकि गाइस, 12th का परसेंटेज बहुत ही मैटर करता है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देगी, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में गाइज, बहुत ही सारे ऐसे जॉब्स निकलेंगे, बहुत ही ऐसे ऑफर्स आएंगे जो कि सीधे 12th के परसेंटेज पे बेस होगा, कि आपके 12th के परसेंटेज अगर इतने हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आप ये जॉब कर सकते हो। तो गाइज, मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके परसेंटेज समझो कि आपके फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, बस इतना समझ के रखना। भले जो कहता है ना कि टैलेंट होना चाहिए, भाई वो अपने जगह है, लेकिन इन फ्यूचर आपको अगर कोई वैकेंसी समझो अभी निकलेगी 12th को, जैसे मान लो रेलवे का हुआ तो 10th के बेसिस पे हो रहा है, धीरे 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 ऐसे करते करते सब इम्प्रूव हो रहा है गाइस। 12th के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं वो आ रहे हैं। अभी आप खुद देखो, सरकारी रिजल्ट पे जाके देखो कितने सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि सीधे के सीधे 12th के परसेंटेज पे बेस हैं। आप जाके खुद गूगल करना तो आपको पता चल जाएगा कि परसेंट की कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या करना गाइस, सबसे पहले देखो यार, अब आप 12th में आके भले मेहनत लगा कर पढ़े हो पूरा, 10th 11th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो गाइज लेकिन 10th 11th 12th से रिजल्ट बनेगा। तो देखो, 31st को आपका रिजल्ट आएगा, पहले आप अच्छे से एनालिसिस करना उसकी कि हाँ मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो गाइज तुरंत इमीडिएटली बिना हिचकिचा के, ठीक है, इमीडिएटली फॉर्म फिल कर देना जैसे नोटिफिकेशन आती है तो, और री एग्ज़ाम देना, इससे अच्छा आप परसेंटेज ला सकते हो, ठीक है। चलो गाइज।